तो हेलो गाइस, क्या सब सब लोग वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइस, आज हम लोग माइनक्राफ्ट में क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग ये करने वाले हैं कि माइनक्राफ्ट में हम लोग बनाने वाले हैं एक मॉक फार्म, जिससे कि हमें काफ़ी सारी एक्सपी मिलेगी। तो उसके लिए हमें काफ़ी सारा स्टोन और 4 हॉपर, 4 चेस्ट और 2 बकेट वाटर और कुछ ट्रैप डोर्स चाहिए होंगे। तो गाइस, मैंने काफ़ी सारे स्टोन्स जो है इकट्ठा कर रखे हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा गाइस काफ़ी सारा स्टोन, आप लोग देख ही सकते हो। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे स्टोन कहाँ से माइन किए। तो गाइस, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। गलती से इमोट खुल रहा है गाइस बार बार, और यहाँ अंदर चलना है गाइस हमें। तो गाइस, ये रहा। तो गाइज़, मैंने इस जगह को पूरा साफ कर दिया है। तो गाइज़, इस शेडर्स में देख सकते हो आप कि ओर्स चमक रहे हैं। तो गाइज़, इस शेडर्स का जो नाम है मैं कमेंट में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हो, क्योंकि लिंक मेरे पास नहीं है। तो गाइज़, मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले जो केव जो मैंने बनाई है बंकर, तो उसमें मैं आगे जाके ट्रेडिंग हॉल बनाऊँगा। तो गाइज़, अभी मुझे मॉक फार्म के लिए ट्रैप डोर चाहिए। तो गाइस, मैं स्प्रूस के ट्रैप डोर लगाने वाला हूँ, तो चलते जल्दी से। और स्प्रूस के ट्रैप डोर से गाइस और जल्दी काम करेगा, तो स्प्रूस के वुड लेके आते हैं गाइस जल्दी से। 12 seconds later। तो गाइस, हम लोग स्प्रूस के वुड लेके आ चुके हैं, तो जल्दी से ट्रैप डोर बनाते हम लोग, जल्दी ट्रैप डोर बनाते गाइस। तो इस ट्रैप डोर बन चुके हैं, तो अब हमें चाहिए हॉपर्स। तो उसके लिए पहले गाइस मुझे चेस्ट बनानी पड़ेगी, तो हॉपर बनाते गाइस सबसे पहले। तो ये रहा आयरन, इसे लेते हैं और हॉपर बनाते हैं। तो गाइस, ये बन चुकी है हमारी हॉपर। तो गाइस, हमें अभी 3 हॉपर बनी है। तो गाइस, 3 हॉपर से नहीं चलेगा, हमें 4 हॉपर चाहिए। तो आयरन ख़त्म हो चुका है, तो गाइस सबसे पहले जाके आयरन लेके आता हूँ। तो गाइस, मैं उसी जगह से आयरन माइन करने वाला हूँ जहाँ से मैंने लास्ट टाइम किया था, उस केव से। तो गाइस, मैं केव में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब है, तो इसे मारते हैं जल्दी से। तो गाइस, ये मर नहीं रहा। तो गाइस, ये मर चुका है, और सामने मैंने कुछ आयरन देखे थे। तो गाइस, ये रहे आयरन, तो इन्हें माइन करते हैं। और गाइस, मैंने शेडर्स ऑफ कर दिए, बाद में ऑन करूँगा। तो गाइस, इन आयरन को लेके अभी चलते घर, बाद में और भी आयरन माइन करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, मैं घर आ चुका हूँ, तो सबसे पहले जाके सो लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, नहीं तो रात के प्राणी हमें खा लेंगे। तो सबसे पहले सो लेते हम लोग। तो ये रहा बेड, सुबह उठ के देखेंगे क्या करना है। The next day. तो गाइस, सुबह हो चुकी है, तो सबसे पहले आयरन स्मेल्ट होने दे देते हैं, और तब तक मैं अपनी इन्वेंटरी खाली कर लेता हूँ। तो गाइस, आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं, तो अब मैं एक और हॉपर बना लेता हूँ गाइस। हॉपर बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक चेस्ट रखना पड़ेगा, और आयरन को कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा। तो गाइस, ये बन चुका है हमारा हॉपर। तो गाइस, अब यहाँ से गाइस मैं पूरा स्टोन ले लेता हूँ जल्दी से, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे अपना मॉक फार्म। तो जितना हो सके हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। तो गाइस, मैंने सारा स्टोन जो है ले लिया है, तो अब हम लोग बनाएंगे मॉक फार्म। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ गाइस। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि मॉक फार्म को यहाँ बनाते हैं। तो गाइस, हमें सबसे पहले यहाँ पे 4 ब्लॉक्स को माइन करना पड़ेगा कुछ ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा चेस्ट। तो मैं अपने हॉट बार पे ले लेता हूँ चेस्ट।
रॉपर को भी ले लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा चेस्ट, तो यहाँ पे लगाते हैं। तो गाइस हमारी चेस्ट लग चुकी है, तो अब हॉपर लगाते हैं गाइस। हॉपर को बैठ के लगाना पड़ेगा, इसने तो कनेक्ट नहीं होगा ये चेस्ट से। तो गाइस हॉपर लग चुका है, तो अब हमें ज़रूरत है स्टोन की, तो स्टोन लेते हैं। और उसके बाद गाइस हमें लगाना है कुछ इस तरीके से। वेट, मैं गलती कर रहा हूँ, इसे थोड़ा ऊपर लगाना है। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं सबसे पहले और इनको तोड़ देते हैं। तो गाइस इसे तोड़ने के बाद हमें इसे कुछ इस तरीके से लगाना है। तो गाइस जल्दी से इसे लगाते हैं। तो गाइस ये कंप्लीट हो चुका है, तो साइड वाले ब्लॉक्स को तोड़ देते हैं। तो ये टूट चुका है, तो इन्हें भी जल्दी से हटा देते तोड़ के। तो गाइस अब ऊपर चलते हैं इसके इन स्टोन्स के ऊपर। तो गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ, और तो गाइस ये जगह जगह जो है छूट चुकी है, तो इसे भी लगा देते हैं। तो गाइस अब हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है 17 ब्लॉक्स ऊपर। तो गाइस 17 ब्लॉक्स हो चुके हैं, तो मैं इसे पूरा करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस ये पूरा हो चुका है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 7 ब्लॉक्स आगे जाना है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया यहाँ से 1 2 3 4, और ये 5 6 7, और ये आगे वाला 8 हो गया गाइस। तो गाइस मैं इसे अभी चारों ओर करके मिलता हूँ। तो गाइस ये हो चुका है, और मैंने 2 ब्लॉक्स की वॉल भी लगा दी है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली जगह को हमें पूरी तरीके से फिल करना है। तो मैं जल्दी से इसे फिल करता हूँ। तो गाइस हमें इसे जल्दी से फिल करना पड़ेगा। तो गाइस ये हो चुका है, और ऐसा ही हमें हर तरफ करना पड़ेगा। तो मैं ये करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस ये भी हो चुका है, तो अब हमें ट्रैप डोर्स लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग ट्रैप डोर्स ले लेते हैं अपनी हॉट बार पे। तो गाइस ये रहे अपने ट्रैप डोर्स, अब हम ट्रैप डोर्स लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। हमें ट्रैप डोर्स को बंद करके लगाना पड़ेगा गाइस। तो गाइस इसे ये हो गया इस तरफ, अब ये गलती से लग गया, इसे तोड़ देते हैं। तो अब हम लोग इस तरफ लगाते हैं। ये हुआ एंड ये भी हो गया गाइस। तो गाइस मैं हर तरफ ट्रैप डोर लगाने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस मैंने हर तरफ ट्रैप डोर लगा दिया है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सबसे पहले वाटर लगाना है। तो गाइस मैं वाटर लगाता हूँ, उससे पहले मुझे वाटर लाना पड़ेगा नीचे से। तो गाइस मैं चारों ओर वाटर लगाने के बाद मिलता हूँ। एंड ये हो गया, तो गाइस मैंने हर तरफ वाटर दे दिया है, तो मॉब्स गिरेंगे और बह के उस वाले जो गड्ढा है उसमें जाएंगे, और मैं उसे मार सकता हूँ। तो इन स्टोन्स को ले लेते हैं।
तो गाइज ये हो चुका है, अब हमें यहाँ पे दो ब्लॉक्स की वॉल लेनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। तो गाइज इसे मुझे चारों ओर करना पड़ेगा और ऊपर एक छत देनी पड़ेगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज मैं छत और वॉल्स कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइज अपना मॉक फार्म जो रेडी हो चुका है और मैंने इस पर जो है टॉर्चेस भी लगा दिया है, तो अब यहाँ से नीचे चलते हैं। तो गाइज मैं MLG करके देखता हूँ मैं कर पाता हूँ या नहीं। गाइज मेरी काफ़ी सारी हेल्थ चली हुई है, तो खाना खाते हैं उसके बाद AFK करते हैं। तो गाइज मैंने 5 मिनट AFK किया है और देख सकते हैं कितने सारे मॉब्स आ चुके हैं, तो इन्हें मारते हैं जल्दी से। और गाइज अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी XP 16 थी तो घटी गए से, तो गाइज मैं एक बार मर गया था ऊपर से नीचे गिर के, तो इसीलिए ये हुआ। तो गाइज अभी मुझे हॉपर्स के ऊपर स्लैब्स लगानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं सबसे पहले स्लैब्स बना लेता हूँ। तो ये स्टोन्स तो बनाते हैं अब स्लैब्स, तो अब ये तो स्लैब्स नहीं है। अच्छा हाँ, स्लैब्स तो ऐसे बनते हैं। तो ये बन चुके हमारे स्लैब्स, तो अब जाके हॉपर के ऊपर लगा देते हैं। और हाँ गाइज़ आप लोग बताना कि मैं घर को और कैसे डेकोरेट कर सकता हूँ। और गाइज़ आप लोग सोच रहे हो ये क्या है, तो मैंने नीचे उतरने के लिए बनाया था, मैं इसे बाद में हटा दूँगा, तो इसे तोड़ देते अभी, सॉरी लगा देते हैं, तोड़ देते क्या कह रहा हूँ मैं। तो गाइज़ ये लग चुका है, तो हमारा मॉब फार्म जो है पूरा रेडी हो चुका है, और देख सकते एक स्पाइडर भी आ गया अभी, जिसे मारते हैं हम लोग। तो लोग लूट देख सकते हो, ठीक ठाक लूट मिल रहा है हमें, तो स्टोन ले लेते बाद में काम आ जाएगा हमारा। तो स्पाइडर को मारते गाइज और वीडियो को एंड करते। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में बंकर में विलेजर्स लाऊंगा और उसे ट्रेडिंग हॉल बनाऊंगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी सारा आयरन माइन करना पड़ेगा, जिसके मैं क्योंकि मैं रेल्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ माइनिंग कर देगा तो मुझे डायमंड भी मिल सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।